वीसीडी में क्या नाम डाले हैं? कहा कर बैठा जोरसीमल, कोई जानता ही नहीं दुनिया में। ईटा भट्टा, ईटा भट्टा को जानता है? नेपाल में ईटा भट्टा भी प्रसिद्ध नहीं है। काकर भट्टा कम से कम वो सीमा प्रदेश तो है, है? अच्छा, जी कहां कर कहते हैं कंकड़ पत्थर को, और भट्ठा कर तो जानते ही अर्थ क्या है, जहां ईंटें पकाई जाती हैं, ईंटें पकने के बाद जो उसमें से खंजड़ वंजड़ रह जाता है, काला पत्थर बन जाता है टूट फूट के, उसको कांकड़ कहते हैं, कंकड़। जो ईंटें ज्यादा पक जाती हैं उनको क्या कहते हैं? कंकड़ पत्थर। और ऐसे कंकड़ पत्थर को बाप आकर क्या बनाते हैं? हीरे मोती बनाए देते हैं। क्या है शुरुआत कहां से होती है नेपाल में? काकर मिठा से नेपाल शुरुआत होती है। सालू नहीं है इसलिए। है जोन बाबा के नास्तिक रहते उनके बाबा से सीधी जो टेन हो गए थे ना मूवी में, जो बाबा के नास्तिक रहते नजदीक रहते हैं, हाँ जो ज्यादा बातें करते हैं बाबा से बात करते हैं, वो बाबा से सीधी जो टेन बोल रहे थे ना मूवी में, जो बाबा से ज्यादा बातें करते हैं बाबा के नजदीक रहते हैं और प्रीति लगाती है बोल रहे थे ना मुरली में, बातें करने से प्रीति हो जाती है, है? मुरली ने सुने थे इसलिए बोली। बातें ज्यादा करते हो और याद कम करते हो तो प्रीति है, याद भी करना पड़ता है, याद भी करना पड़ता है बाबा की याद भी ना है। हाँ बातें करें ना करें भले विलायत में जाकर के रहें तो भी अगर याद ज्यादा करते हैं तो बाबा के जन्म जन्मांतर क्या होगा? नजदीक जन्म लेंगे। बाबा कहते सात दिन की भट्टी करके फिर भले बिलायत में चले जावे कभी वापस लौट के ना आवे, बाबा को याद करते रहें ईश्वरीय सेवा करते रहें, तो ऐसी आत्माएं भी इस सृष्टि पर जो सदा कायम शिव बाबा है उसके नजदीक आवेंगे या दूर जावेंगे? हैं? नजदीक आवेंगे। और कहते मुरली में जो माता और भाई लोग घर में बैठकर और पूछताछ करते हैं।
हैं? घर में बैठकर प्रसाद करते हैं। हाँ, और कर्मत्व रास्ता को पाते हैं और मुक्ति को पाते हैं, जीवन मुक्ति को नहीं पाते हैं। मुक्ति को पाते हैं, जीवन मुक्ति को नहीं पाते, नहीं पाते हैं। घर में बैठ के पुरुषार्थ करते हैं, खाली घर में बैठ कर पुरुषार्थ करते हो और कर्मशील तपस्या को पाते हो और मुक्ति के पाते हो, जीवन मुक्ति के नहीं पाते। जीवन मुक्ति का मतलब है स्वर्ग में आना, स्वर्ग में आना और यही ब्राह्मणों की दुनिया में पुरुषार्थ करते करते ब्राह्मणों के साथ नई दुनिया में अपने को अनुभव करना, नई दुनिया में। तो उन्हें परिवार की चिंता ही नहीं है, अपने घर में बैठ गए, अपनी दुकान चलाते हैं, अपना धंधा करते हैं, ब्राह्मणों के संगठन में कभी आते ही नहीं, गीता पाठशाला में आते ही नहीं, मिनिमेधवन में आना जाना करते ही नहीं। तो जिनका ब्राह्मण परिवार से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वो जीवन मुक्ति में आवेंगे नहीं आवेंगे? सत्युगत रेता में तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ जीवन रहते रहते ब्राह्मणों के संगठन में पहुंचते पहुंचते स्वर्ग का अनुभव करें, स्वर्ग की दुनिया का अनुभव करें, नई दुनिया का यहाँ ही अनुभव करें, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि परिवार से कोई कनेक्शन ही नहीं रखा। और जिसने जन्म दिया है उसने दूसरों को जन्म देना है, जिसने जन्म दिया है उसने दूसरों को जन्म देना है, इसलिए शादी करना जरूरी है, ऐसे मुरली बोला है। फिर बाबा बोला है, मुरली क्या बोला? बोला क्या बोला? जिसने जन्म दिया है उसने जन्म दूसरों को जन्म देना जरूरी है, जिसने जन्म लिया है उसको दूसरे को जन्म देना है। मुरली बोला है, कौन सा जन्म, लौकिक या अलौकिक? वो नहीं जानते, वो नहीं जानते। इसका मतलब तुम अभी लौकिक जन्म में ही लगे हुए हो। लौकिक बच्चों का जन्म जब जानते ही नहीं, तो लौकिक बच्चों का ही जन्म करेंगे ना, और वो ही सिखाएंगे लोगों को। देखो तुमने जन्म लिया है माँ बाप से, हैं? तो शादी करो, बच्चों को जन्म दो, नहीं तो पितरण से रह जाओगे। शादी करवा, अभी तो कह रहे थे कि जिसने जन्म लिया उसको जन्म देना चाहिए, हैं? अभी मालूम पड़ा कि नहीं कौन सा जन्म है? हाँ, अलौकिक जन्म लेना है और अलौकिक जन्म देना है। लौकिक जन्म की बात तो खलास, अब हमारा लौकिक जन्म चल रहा है या खलास हो गया? अब हमारा लौकिक जन्म पास्ट हो गया, हमने तो अलौकिक ब्राह्मण का जन्म ले लिया, तो जो जन्म हमने लिया है वही जन्म हम दूसरों को देते रहे। और भारत में बाबा है, महाभारत में पांडवों का जब अज्ञात वास पूरा होता है तो स्थल युद्ध होता है, वह है स्थल युद्ध होता है। हाँ। अभी ज्ञान में बाबा ब्राह्मण परिवार में पांडवों का अज्ञात वास बारे में पूरा होगा बाबा, बारे में पूरा होगा तो बारह में पूरा होगा कि तेरह चौदह? तेरह में पूरा होगा। तेरह अज्ञातवास कितने, कौन से वर्ष का था? पूरा होगा तो बाबा नहीं स्थूल भी युद्ध है, है? ज्ञान की युद्ध चलेगा। अरे बाबा आते हैं तो कौन सा युद्ध कराते हैं, है? ज्ञान की युद्ध, ज्ञान का युद्ध कराते हैं, तो ज्ञान का युद्ध होना चाहिए या ज्ञान की मारकाट कराना चाहिए ब्राह्मणों की दुनिया में? ज्ञान की युद्ध होना चाहिए। फिर तो ब्राह्मणों को ही मरवा दोगे तुम सबको, हैं? ब्राह्मण जिंदा रहेंगे या शरीर से मर जाएंगे? जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो कौन सी मारकाट होगी, अहिंसा, है?
अहिंसक युद्ध है, संकल्पों का युद्ध होगा। और बाबा मुरली में बोला है निराकार बाप साकार बाप बिगर कोई कर्म नहीं कर सकते, ठीक है, पाठ बोला नहीं है। तो निराकार बाप तो ज्योतिर्बिंदु थी है, निराकार आत्मा का बाप ज्योतिर्बिंदु थी, तो वो तो परम धाम में 5000 साल के लिए बैठा रहता है, सिर्फ आता नहीं है संगम में, 100 साल के लिए आता है, एक साल एक जन्म के लिए आता है ना। हाँ, दापुर जी से मनुष्य लोग पूजा करते हैं। हाँ, तो ज्योतिर्बिंदु सिंह को कैसे पता चला? क्या कैसे पता चला? मुझे पुकार रहा है। तुम्हारी आत्मा जब सृष्टि में रंगमंच पे आती है तो तुमको कैसे पता चलता है? परम धाम से नीचे आती कि नहीं आती? तुमको कैसे पता चलता है कि हम नीचे जाएंगे ना जाएं? तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है नीचे जाने का। जब रिकॉर्ड चालू होता है तो आत्मा स्वतः ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजाती है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा में भी पार्ट भरा हुआ है, हर 5000 वर्ष के बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आने के पार्ट बजाने का। और समदो समदो क्या समदो 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 सिक्किम में एक मोहल्ला है, क्या है एरिया गंगटोक का है, कैपिटल। हाँ, गंगटोक है कैपिटल, और उसका एक एरिया है उसका नाम है सामदांग, पहाड़ी इलाके का नाम है सामदांग। क्या हाँ, साम किसे कहते हैं? हाँ, जब शाम होने लगे, सांझ होने लगे, सायंकाल जिसे कहते हैं, सूर्य डूबने को होता है तब कहते हैं सांग दाम। दाम जानते हैं? दाम, अरे दाम आम है कुछ घोट में जेब में, दाम माने रुपया पैसा है। तो जब शाम होने पे आती है तब जोर शोर से क्या करते हैं? दाम, दाम माने पैसा कमाना शुरू करते हैं। हद के पैसे की बात नहीं है, सा के पैसे की बात है, बेहद का पैसा तब कमाना शुरू करते हैं जब शाम आ जाती है। आजकल ऐसे ही होता है, जो मार्केट चलते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें चलती हैं, सुबह को चलती हैं, दोपहर को चलती हैं कि शाम को चलती हैं? शाम को बहुत व्यापार होता है, बड़ी कमाई होती है, उसका नाम पड़ गया शाम दाम। काम का आधार पर नाम पड़ता है, है? काम का आधार पर नाम पड़ता है, काम के आधार पर नाम पड़ता है। असम का भी नाम है, एक असम है, असम का भी क्या? देखो सारे स्टेट्स में ढेर के ढेर लोग निकल पड़े, आसाम में सिर्फ गौहट्टी के जो फॉलोअर हैं वो ही निकले। हट्टी गौ तो पहले से ही ज्ञान में निकली हुई है, उसके जो फॉलोअर हैं वो थोड़े बहुत निकले हुए। क्या मंगल देवी, आमजुली, बाकी और पूरे आसाम में, अरुणाचल प्रदेश है, ढेर सारे कितने छोटे छोटे स्टेट्स है, कहीं भी कोई भी नहीं, तिनसुकिया इनसुकिया कहीं भी नहीं। शाम होगी तब ही तो निकलेंगे, कि पहले निकलेंगे? शाम होगी तब निकलेंगे। त्रिपुरा भी तो वही है, हैं? त्रिपुरा भी वही है। हाँ, त्रिपुर भी वही है। शिव बाबा कब आते हैं? अरे शिव बाबा कब आते हैं?
हैं? तीन पुरियों की रचना करते हैं ना पहले, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। तो शाम के बाद आते हैं कि पहले आते हैं? है? शाम के बाद, फिर त्रिपुरा का नंबर है। और बाबा पीयू की वाणी को जो ब्रह्म कुमारी लोग गाड़ के रखी हुई है वो कब निकलेगा? अब कौन सी सीन? अब ब्रह्मा कुमार कुमारी भी भागदौड़ कर रहे हैं पाकिस्तान में जाकर के, कराची में, और एडवांस पार्टी भी अपने तरीके से भागदौड़ कर रहे हैं। अब देखो कौन सफल हो जाता है। जो चीज है पुरानी चीज है, ओल्ड इज गोल्ड है, तो नेस्त नाबूद तो नहीं होनी चाहिए। कुछ न कुछ सच्चाई मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। और बाबा शंकर जी को दूध पिलाते हैं कौन माता को पाठ है? शंकर जी को दूध पिलाते सांपों को, शंकर जी को दूध पिलाते हैं, शंकर जी को दूध पिलाते हैं, मक्खन वक्खन नहीं खिलाते उनको तो मक्खन भी खिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं, दही से भी स्नान कराते हैं। हाँ तो है उसका अर्थ क्या है? कौन सी माता का पाठ है दूध जो चढ़ा रहे हैं? हाँ 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 ओहो, शंकर जी को जो दूध पिलाते हैं वो कौन सी माता का पार्ट है? माने शंकर जी सारी दुनिया का बाप है, और उस बाप को भी अम्मा कोई है कि नहीं है जो दूध पिला के पाले पोसे बड़ा करे? बताओ है कि नहीं है? कौन है? है तो बताओ है? है? क्या जगदम्बा ने दूध पिलाया? लो, अरे जगदम्बा तो बेटी है बाप की, जोगनी माता, जोगनी माता ने दूध पिलाया। वाह भैया, वो पहले नंबर का मणका है कि दूसरे नंबर का है? जोगनी माता रुद्रमाला में पहले नंबर का मणका है या दूसरे नंबर का? तो पुराना कौन है? पहला पुराना है। वो कहां से अम्मा बन जाएगा? अम्मा पुरानी होती है कि बप्पा पुराना होता है? बप्पा पुराना होता है। तो बताओ कि शंकर जी को दूध किसने पिलाया? जो भक्ति मार्ग में दूध पिलाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, हाँ जरूर। बेसिक ज्ञान में पहले कौन निकली? लक्ष्मी निकली। इसलिए बताते हैं राधा तीन चार साल बड़ी थी किससे? कृष्ण के मुकाबले। तो राधा जो पहले निकली बेसिक ज्ञान में, उसने बेसिक ज्ञान का दूध पिलाया किसको? राम वाली आत्मा जो शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है, उस लिंग पर दूध चढ़ाया बेसिक ज्ञान। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं भक्त लोग? शंकर जी पर दूध चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर। और बोलो बोलो, नौ धर्म की बीज रूप आत्माएं स्थूल में यहां कौन कौन है? उनका लौकिक नाम क्या क्या है?
फिर तो 500 करोड़ का भी नाम बता दिया जाए कि 500 करोड़ आत्माओं का नाम क्या क्या है, क्योंकि 500 करोड़ भी तो रुद्रमाला के मणके हैं, है या नहीं है। तो भाई ये तो बहुत सहज तरीका निकल आया, मंथन अंथन करने की कोई दरकार नहीं। क्या बाबा से 500 करोड़ का नाम रूप पूछ लो, इनका लौकिक नाम क्या क्या है। लेकिन बाबा ने बोला है मैं बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बताऊंगा कि कौन सी आत्मा का क्या पार्ट है, ये तो अपने अपने मनन चिंतन मंथन से जानेंगे। बाप तो सिर्फ इशारा देते हैं कि कौन सी आत्मा का क्या पार्ट है, जैसे तीन मूर्तियों का पार्ट का इशारा दिया तो तीन मूर्तियों के पार्ट बाप ने बताए डायरेक्ट, उनका लौकिक नाम बताया या सिर्फ इशारा दिया। इशारा दिया। तो जो इशारे को पकड़ने वाले ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाली आत्माएं हैं, उन्होंने जान लिया कि ब्रह्मा का पार्ट किसका है, विष्णु का पार्ट किसका है, शंकर का पार्ट किसका है, कौन ये पार्टधारी वस्त्र हैं जिन वस्त्रों की यादगार झंडा बनाया गया है, जिस झंडे के लिए गायन करते हैं विश्व विजय करके दिखलावे। अब वो कोई कपड़े का झंडा होगा क्या, जड़ कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है क्या, या चैतन्य कपड़ों का झंडा विश्व विजय करता है। ये तो चैतन्य कपड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर जिन्होंने प्रैक्टिकल में सारी दुनिया पर विश्व विजय प्राप्त की है, जब तीनों मिलकर एक हो जाते एक संस्कार वाले बनते तो विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। अभी है ब्राह्मणों के ऊपर विश्व पर विजय प्राप्त करने की बात, तो जिन्होंने पहचाना है वो त्रिमूर्ति बाप के नजदीक है, जिन्होंने तीनों मूर्तियों को नहीं पहचाना, नाम का ही पता नहीं है कि उनका लौकिक नाम क्या है, बाप से पूछते हैं लौकिक नाम क्या है, तीन का लौकिक नाम बताओ कम से कम, नौ का ना बताओ तो तीन का तो बताओ, इसका मतलब वो दूर है या नजदीक है। दूर है। और हाँ जी, कोई ब्राह्मण आत्मा ज्ञान में चलते चलते बीच में मतलब शादी कर लेता है, फिर उसके बाद ज्ञान में चलने का पुरुषार्थ का ध्यान तो उसके आगे की जगह पुरुषार्थ ये होता है कि नहीं होता है, फिर शादी करने के बाद में ज्ञान में चलने का पुरुषार्थ करता है हाँ? तो आगे की जगह जो पुरुषार्थ का प्रारंभ है उसका मतलब होता क्यों नहीं ऐड होगा, लेकिन उतना पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा जितना अगर वो शादी न करता तो उतना ऊंचा पुरुषार्थ बनता और प्रारब्ध बनती। एक बार पांच मावर से नीचे गिर गए तो हड्ड गुड टूट जाते हैं, फिर कितना भी हॉस्पिटल करो कितना भी बचाव करो, जो शरीर रूपी साधन है वो उतना काम का नहीं रहता जो उतना पक्का पुरुषार्थ कर सके, कुछ न कुछ पद जरूर नीचे हो जाता है। तो बुद्धिराम लगे रहो, नंबर आगे है अभी तुम्हारा। अब बुद्धिराम को रमक आ रही है, एक गोटी तो हमने जीती कम से कम। हाँ दौड़ हो रही है,
जैसे घोड़दौड़ होती है ना, घोड़े की दौड़ होती है ना शहरों में, ऐसे ये भी आत्मा रूपी अश्वों की दौड़ है। कोई घोड़ा दौड़ते दौड़ते पीछे पड़ पीछे रह जाता है और दूसरा घोड़ा आगे निकल जाता है। ये मन बुद्धि रूपी राम बुद्धि राम हिम्मत कर रहा है, हो सकता है हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। और बाप फिर जो शादी हो जाता है, हैं? मतलब जो भी शादी हो जाता है ना, अरे घोड़ा पछाड़ खा जाता है, शादी वादी मत करो बाप। हाँ शादी की बात मत करो, बाबा ने कहा बेकार, विकार में जाना माने माने शादी। तो एक ही परिवार के अंदर जो शादी होता है उसका भी तो कुछ हिस्सा बनता होगा ना, है? एक ही परिवार के अंदर ही जो शादी होता है, एक ही परिवार के जो सदस्य है ना। कहने का मतलब इसका यही है कि ग्यारह में चलने वाली कन्या चलने वाला भाई है, शादी कर लिया, हिसाब किताब होगा वो क्लियर करता जाएगा, अपने उनका हिसाब किताब होगा। जो ज्ञान में चलने वाली कन्या, ज्ञान में चलने वाला भाई और शादी कर लिया तो हिसाब किताब भी होगा, बन जाता होगा हिसाब किताब। और नई बात क्या है उसमें, पूर्वजन्म का कोई हिसाब किताब होता है तभी ऐसे होता है। पूर्वजन्म का अगर कोई आकर्षण नहीं होगा तो होगा कैसे? पूर्वजन्म का हो इस जन्म का हो कोई न कोई तो हिसाब किताब आगे आ जाता है ना। और बाबा, हाँ जी, महाभारत में जो अक्षय कपूर को बताना होगा ऐसे वो बैठे ना पांडव भीष्म पितामह जो पांडव को क्या हो गया, हस्तिनापुर को बताना होगा इनको बोलते हैं, हस्तिनापुर को बचाना होगा महाभारत में जो हस्तिनापुर को बताना होगा बोल के जो भीष्म पितामह जाते हैं ना, भीष्म पितामह अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि हस्तिनापुर की सुरक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। हाँ उनका अर्थ क्या है इसलिए, उसका अर्थ यही है कि नाम है उसका हस्तिनापुर, हस्ति माने हाथी, ना माने का, पुर माने शहर नगर, जो हाथियों का पुर है माने देह अभिमानी सांडे हाथी होते हैं ना मकना हाथी, उनका जो पुर है उनका जो शहर है उस शहर की सुरक्षा करना अपना धर्म किसने समझा है, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जो सन्यासियों में सबसे बड़े सन्यासी माने जाते थे, बहुत पावरफुल, उन्होंने अपना धर्म समझा, अपनी जिम्मेवारी अपना कर्तव्य समझा कि हस्तिनापुर की सुरक्षा हम करेंगे, ये उन्होंने बीड़ा उठाया। हाँ तो पांडवों को कहा, उसने कहा ना है भीष्म पितामह ने पांडवों को कहा ये चीज, हाँ हस्तिनापुर की सुरक्षा करना है हमारा काम है, हम आपका साथ नहीं देंगे, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम देह अभिमानी सांडों का जो संगठन है हम उसकी सुरक्षा करेंगे। हाँ जी बेहद में यहाँ हमारे तो बेहद में यहाँ भी तो हैं बड़े बड़े देह अभिमानी सांडे जो समझते हैं कि ज्ञान हमारी प्रॉपर्टी है, भगवान ने हमको नहीं दी है, ये हम ज्ञान सुनाते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं ज्ञान सुनने के लिए, उनके माथा बहुत चौड़ा दिखाया गया है, आंखें बड़ी नशीली होती हैं, आंखों की मार बहुत जबरदस्त मारते हैं,
ऐसे देह अभिमानी सांडे नाक उनकी बहुत काम करती है, सूंगा सांगी भी बहुत करते हैं, इसने ऐसे किया उसने वैसे किया, ये ऐसे शादी कर गया वो वैसे शादी कर गया, अरे क्या कर गया क्या नहीं कर गया हमने घुस के देखा क्या नहीं, हमने कहां देखा, हमने तो सुन लिया, सुनी सुनाई बातों भारतवासियों ने दुर्गति भाई। तो ये सन्यासियों के धंधे हैं, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई है। ये शास्त्रों की बातें सुनना और शास्त्रों की बातें सुनाना ये किसका काम है, सन्यासियों का काम है। और शास्त्रों में चतुरानन पंचानन दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा क्यों दिखाते हैं, इसका वेद में अर्थ क्या है? जैसे रावण को दशानन दिखाते हैं, कितने आनन हैं? दशानन, आनन माने मुख। ऐसे ही ब्रह्मा को दशानन तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन क्या दिखाते हैं? चतुरानन पंचानन दिखाते हैं। क्या कारण हुआ? ब्रह्मा वास्तव में स्त्री है या पुरुष है? हैं? स्वभाव संस्कार से तो स्त्री चोला है, नहीं स्वभाव संस्कार से स्त्री है लेकिन चोले से पुरुष है। तो यहां ब्राह्मणों की दुनिया में स्वभाव संस्कार को प्राथमिकता दी जाती है या चोले को देह को प्राथमिकता दी जाती है? स्वभाव संस्कार को प्राथमिकता दी जाती है। तो स्वभाव संस्कार के आधार पर ब्रह्मा जो है वो चार मुंह वाला पांच मुंह वाला है, स्त्री वाला है मुख वाला या पुरुष मुख वाला है? अरे मुख दिखाया पुरुष का, लेकिन तुम संस्कार की बात उठाओगे या स्त्री के संस्कार की बात उठाओगे या पुरुष संस्कार की बात उठाओगे? बल मुख जो है पुरुष का है तो भी संस्कार स्त्री के हैं। इसका मतलब रावण के जो मंदोदरी वाले पांच मुख हैं वो मंदोदरी नाम न कहो, कैसे उधर वाली मंद बुद्ध रूपी पेट वाली जो मनन चिंतन मंथन कर ही नहीं सकती, जो बाबा ने सुना दिया बस वो ही सुन लिया, वो ही ज्यों का त्यों सुना दिया, उसके ऊपर गहराई से विचार है विचार नहीं किया तो कहेंगे मंद उधर मंद बुद्धि वाली। ये पांच मुख दिखाए गए हैं मंदोदरी को, कौन कौन से? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन पांचों तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? जो मुख्य तत्व शरीर में समाया हुआ है हरेक में है पृथ्वी तत्व। आकाश तत्व कौन जिसका नाम है? है आकाश तो बोले ना आकाश, हाँ आकाश किसको कहा जाता है? आपके शरीर में आकाश नहीं है, पृथ्वी के अंदर आकाश भी है, जहां जहां वैक्यूम है वो आकाश है, हवा हो या ना हो, जैसे थर्मस है, थर्मस में दो परतें होती हैं, अंदर शीशे की परत है बाहर लोहे की परत है, दोनों के बीच में से हवा निकाल दी गई तो क्या बच गया? दोनों परतों के बीच में कुछ है या नहीं है? हा? क्या है? पोलार, वही पोलार वही आकाश, तो आकाश माने पोलार, ये भी एक तत्व है।
पांच तत्वों में से पृथ्वी मुख्य है, जहां मनुष्यों का जीवन है। पृथ्वी जड़ नहीं, कौन सी पृथ्वी? चैतन्य पृथ्वी। कौन है? जगदम्बा। इसलिए बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। तो वास्तव में तो ब्रह्मा जगदम्बा है, तो फिर अवास्तविक में कौन है? अवास्तविक जब जगदम्बा कौन है देखने की है? वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, यही जगदम्बा जो अभी दाढ़ी मूछ वाली थी वही शरीर छोड़ करके कोई माता में प्रवेश करती है, तो ये है वास्तविक जगदम्बा। और वो है डुप्लीकेट या वास्तविक? डुप्लीकेट देखने की जगदम्बा है। जगदम्बा माने जगत की अम्बा, जगत की मां माने ब्रह्मा, सहन शक्ति वाली। तो दोनों के बीच में कौन है सहन शक्ति वाली? जो ब्रह्मा का चोला था उसी ने सहन शक्ति धारण की। वो जिसमें प्रवेश करता है स्त्री चोले में वो उतनी सहन शक्ति धारण नहीं कर पाती, वो तो डब्बा है और उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा वास्तव में जगदम्बा है, वो ब्रह्मा है। तो ये पांच मुख हैं मंदोदरी के, पृथ्वी जलवायु अग्नि और आकाश, इनको पंचानन कहा जाता है। क्या? इनमें से एक मुख निकाल दिया तो कितने बचे? चार बच गए। वो एक मुख यज्ञ के आदि में ही निकल गया। कौन था? प्रजापति। अरे पांच मुखों में से बताओ, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश में से। अरे पृथ्वी, पृथ्वी स्त्री चोला है, स्त्री है या पुरुष है? है स्त्री, लेकिन ये पहला तत्व है, मुख्य तत्व। लेकिन पृथ्वी को चारों ओर से कौन घेरे हुए है? जल है, जल नहीं, जल घोरे हुए है। जल को चारों ओर से कौन घेरे हुए है? हवा, वायु। और वायु को भी चारों ओर से कौन घेरे हुए है? जल, वायु, अग्नि। अग्नि। आग को भी चारों ओर से कौन घेरे हुए है? आकाश। तो आकाश जो है पांचों तत्वों से परे है। कौन है वो आकाश? पांच तत्व से परे तो प्रजापति का। हाँ है, वो सबसे परे तो पांच तत्व में तो वही होगा, एक तो सुप्रीम फॉर्म है, एक प्रजापिता है। हाँ, प्रजापिता वाली आत्मा जो है वो पांचों तत्वों में भी जो परे तत्व है उससे भी पार होकर रहती है। तो यज्ञ के आदि में ही वो कट गया, अलग हो गया, वो एक सिर अलग हो गया, तो कितने बचे? चार बचे, जो हो गए चतुरानन। जो अलग हो गया उसका देह अलग हुआ या नहीं हुआ? है सर, और देह अलग हुआ या नहीं हुआ? अलग हो गया। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? देह से मुख अलग हो जाए
मुख माने जहां आत्मा रहती है और देह अलग हो जाए तो अच्छा ही तो है, आत्मा अलग हो जाए और शरीर अलग हो जाए। तो आत्मा जो अलग हो जाती है वो फिर ब्रह्मा नहीं कही जाती, उसको ब्रह्मा नहीं कहेंगे, वो तीसरा नेत्र हो गया, मुख रह गया। देह तो विनाशी है, विनाशी चीज खत्म हो गई। तो चतुरानंद ये भी मंदोदरी के चार मुख हो गए, इसलिए ब्रह्मा को कभी चतुरानंद कभी पंचानन कहा जाता है। और दाढ़ी मूछ वाला क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जब असंपन्न स्टेज है तो विकारी है, और जब संपन्न बन जाएगा तो निर्विकारी हो जाएगा, जगदम्बा के रूप में फिर पूजा होती है। गीता पाठशाला के भाई यज्ञ की सेवा करने के लिए माता को सहयोग नहीं देते हैं तो क्या माता घूम घूम करके यज्ञ की सेवा कर सकती है? कौन मना करेगा? करे, लेकिन कम उम्र की है तो कोई बूढ़ी माता को साथ ले ले। अगर खुद बूढ़ी है तो भले घूम घूमे फिरे सेवा करे, मैच्योर्ड है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो भी सेवा करें, इसमें पूछने की क्या बात। हाँ जी, ये पूछा है कि ड्रामा की शूटिंग होती है उस समय ब्राह्मण वर्ण की शूटिंग 16 साल दिखाई गई, क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग 12 साल दिखाई गई, 76-77 से लेकर 87-88 और द्वापर युग की शूटिंग 89-90 से लेकर के 98 तक दिखाई गई, 8 वर्ष, और कलयुग की शूटिंग 4 वर्ष दिखाई गई। दो हजार तीन चार तक। तो पूछा है कि 4 वर्षीय शूटिंग कैसे कैसे होती है? शास्त्रों में दिखाया गया है कि कलयुग से द्वापर की दुगनी आयु, त्रेता की तिगनी आयु और सतयुग की 4 गुनी आयु होती है। तो वही शूटिंग के हिसाब से अब समझ में आता है कि इस तरह होती है। दूसरी बात, जनसंख्या कौन से युग में बढ़ती है सबसे जास्ती? कलयुग में। और यहां टाइम बहुत थोड़ा दिखाया गया है, कितना? 4 साल। थोड़े टाइम में इतनी बड़ी जनसंख्या की शूटिंग कैसे हो सकती है? तो 98-99 में क्या हादसा हुआ था जो एकदम कलयुग की शूटिंग की गिरती कला शुरू हो गई एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में? कोई हादसा हुआ है? नहीं हुआ क्या? मुसलमानों का आक्रमण शुरू हो गया कलयुग की शुरुआत में। पहला आक्रमण शुरू हुआ मोहम्मद बिन कासिम, और शुरुआत में ही दूसरा बड़ा आक्रमण हुआ
मोहम्मद है मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर और ढेर सारे मंदिरों को लूट ले गया। तब से भारत का तीव्र गति से पतन हुआ। तो जो पतन होता है शुरुआत में, उस समय थोड़ी आत्माएं थी या ज्यादा आत्माएं थी कलयुग में, कलयुग की शूटिंग में है? थोड़ी आत्माएं होती हैं या ज्यादा होती हैं है? कलयुग आज की बात है, कम आत्माएं होती है, माने सतो प्रधान था उस समय। ब्राह्मणों की दुनिया में और बाहर की दुनिया में एडवांस पार्टी की ग्लानी ज्यादा हो रही थी या कम हो रही थी? ग्लानी ज्यादा हो रही थी, लेकिन वो ग्लानी फिर बाद में धीरे धीरे कम होती गई या बढ़ती गई? कम होती गई। तो जो ग्लानी कम होती जाती है और सेंटरों की संख्या बढ़ती जाती है, पहले तो सिर्फ फर्रुखाबाद में ही, कंपिल में ही था, बाद में फिर ढेर के ढेर सेंटर खुलने लगे, तो बदनामी बढ़ी या घटी? सेंटर ज्यादा खोले तो बदनामी घट गई, माने जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ने लगी। ऐसे ही दुनिया में होता है, शूटिंग बढ़ती गई, जनसंख्या भी बढ़ती गई। चार वर्षीय शूटिंग जब पूरी होती है तो चौथे युग की शूटिंग की समाप्ति पर जो मनन चिंतन करने वालों की दुनिया है, मंथन करने वालों की, ब्राह्मणों की दुनिया है, वो मंथन करने वाली आत्माएं पूरी हुई। फिर जो आत्माएं आती हैं वो ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने वाली आती हैं या कम मनन चिंतन मंथन करने वाली आती हैं? है? है? नहीं, जब चारों युगों की मनन चिंतन मंथन की गति पूरी हुई तो प्रैक्टिकल शूटिंग शुरू होगी ना तीसरी मूर्ति के द्वारा। कौन है तीसरी मूर्ति? विष्णु। तो 2004 के बाद वो तीसरी मूर्ति सक्रिय हो जाती है और प्रैक्टिकल शूटिंग शुरू होती है। उसकी शुरुआत कहां होगी? एडवांस पार्टी में उसकी शुरुआत होगी या विजय माला का जहां जखीरा होगा वहां शुरुआत होगी? जहां विजय माला का जखीरा है वहां प्योरिटी से प्रैक्टिकल शुरू होता है। और ये प्रैक्टिकल बढ़ते बढ़ते जब आखिरी स्टेज को पहुंचता है तो फिर बाप की प्रत्यक्षता हो जाती है। और वो कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो पाप करते करते पहले उसका पाप बहुत करता है। सुन लो, तुम्हारी बात बोल रहे हैं कुछ दूसरी बोल रहे हैं? पूरा बता दो तुम्हें को, मतलब मनुष्य जन्म में मनुष्य पाप ही पाप करते हैं हाँ? और बोझ कमाता है उस पाप को ही, उसको पाप का हल्का करने का उपाय है। अभी तो बाबा आया किस लिए? पाप का बोझ कम करने के लिए क्या तरीका है वही तो बताने आया है। पाप जो बड़े हैं वो पाप
का मूल कारण क्या है वो भी बता दिया। क्या है पाप का मूल क्या है? देह अभिमान। अब बाबा क्या सिखाते हैं? देह को भूल जाओ, अपनी देह को भूल जाओ, देह और देह के संबंधियों को भूल जाओ और देह के पदार्थों को भी भूल जाओ। क्या करो? आत्मा को आत्मा समझ और आत्माओं के बाप परमपिता परमात्मा जो कि सदा ही सच्चिदानंद आनंद है उसे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा भी क्या बनेगी? है सच्चिद आनंद पाप रहित बन जाएगी। निष्पाप आत्मा को याद करेंगे तो याद करने वाला भी क्या बन जाएगा? है निष्पाप बन जाएगा। पाप खलास करने का एक ही तरीका बाबा ने बताया, अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। महाभारत युद्ध जब होता है तो अर्जुन अश्वमेध यज्ञ रचते हैं, उसमें घोड़े छोड़ते हैं और कहते हैं जो इस घोड़े को पकड़ेंगे उसे हमसे युद्ध करना होगा। उस घोड़े को ताम्र का पुत्र मोरध्वज पकड़ लेते हैं, युद्ध होती है और युद्ध में अर्जुन हार जाते हैं। इसका बेहद का अर्थ क्या हुआ? महाभारत युद्ध की प्रैक्टिकल स्टेज कौन सी युग में दिखाई है? द्वापर में दिखाई है। वास्तव में द्वापर में महाभारत युद्ध हुआ या संगम में हुआ? संगम में हुआ प्रैक्टिकल में। लेकिन फिर शास्त्रों में द्वापर में क्यों दिखाया है? हैं? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है उसमें जब द्वापर युग की शूटिंग होती है तब ही ये अश्व छोड़े जाते हैं। चार दिशाओं में चार अश्व छोड़े जाते हैं। कब छोड़े गए थे ब्राह्मणों की दुनिया में चार अश्व? हैं? उनमें मुख्य है एक, हैं? वो अश्व कब छोड़ा गया था? अरे भूल गए। अरे चार घोड़ों की गाड़ी दिखाई है भूल गए। यज्ञ के आदि में भी चार घोड़ों की गाड़ी थी, इसका इशारा मुरली में दिया। जो आदि सो अंत में भी जब ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी होती है तो वही चार घोड़े फिर प्रत्यक्ष होते हैं। जो ब्रह्मा के चार पुत्र कहे जाते हैं, राम सहित चार भाई गिने जाते हैं, भूल गए? है उनमें एक है पूर्व का अधिष्ठाता, दूसरा है पश्चिम का अधिष्ठाता, तीसरा है उत्तर का अधिष्ठाता, चौथा है दक्षिण का अधिष्ठाता। अश्वमाने? अश्वमाने क्या? अश्वमाने घोड़े। ये घोड़ों की दौड़ शुरू होती है तो चारों घोड़े आगे आगे जाएंगे या आगे पीछे हो जाएंगे? आगे पीछे हो जाते हैं।
तीन घोड़े तो ऐसे ही पीछे रह जाते, बाकी एक घोड़ा जो है उस घोड़े को बताया है किसने पकड़ लिया, मकर ध्वज के पुत्र, हाँ ताम्र ध्वज के पुत्र मोर ध्वज ने पकड़ लिया। अब बताओ ध्वज माने क्या होता है, ध्वज माने झंडा, और मोर किस बात के लिए प्रसिद्ध है, पंख के लिए, अपनी पवित्रता रूपी पूंछ के लिए प्रसिद्ध है, क्या वो पवित्रता रूपी पूंछ है, उस ध्वज में लगी हुई है, इस आत्मा की तरफ इशारा हुआ, उसको मोर ध्वज है, मोर का पंख है, राम को दिखाया जाता है, कृष्ण वाली आत्मा को दिखाया जाता है, तो उस मोर ध्वज है जिसको मोर का पंख दिखाया जाता है, किरीट के रूप में, झंडे के रूप में, वो मोर ध्वज उस घोड़े को पकड़ लेता है। कब पकड़ लिया, 76 में ब्रह्मा की सोल ने राम वाली आत्मा को कैप्चर कर लिया। युद्ध होती है, युद्ध चालू है या नहीं चालू है, और युद्ध में अर्जुन हार जाते हैं, क्या बैल जीत जाता है और घोड़ा क्या होता है, घोड़ा हार जाता है, माने राम वाली आत्मा हार खाती है और कृष्ण वाली आत्मा बैल वाली आत्मा जीत पहनती है। तो बैल किसके ऊपर सवार है अभी, हैं? शंकर के ऊपर बैल सवार है, बैल के ऊपर सवार है। वो संपन्न स्टेज की बात है या पुरुषार्थी स्टेज की बात है, शिव किसके ऊपर सवार है, शंकर के ऊपर सवार होता है, शंकर किसके ऊपर सवार होता है, बैल के ऊपर सवार होता है, तो वो आखिरी स्टेज है या पुरुषार्थ की मध्य की स्टेज है, आखिरी स्टेज है। जब शंकर हाई जंप लगावेगा, बैल के ऊपर पूरा सवार हो जावेगा, फिर बैल हार जावेगा या जीत जावेगा, हार जावेगा। अभी बैल वाली आत्मा उस घोड़े की नाक रगड़वा रही है। युद्ध होती है और युद्ध में अर्जुन क्या करते हैं, हार जाते हैं। इसका बेहद का अर्थ क्या हुआ, अब बताओ। रामायण में राम कृष्ण दिखाया है, नहीं राम और लक्ष्मण दिखाया है, और महाभारत और भागवत में उन्हीं दोनों का नाम क्या दिया है, कृष्ण बलराम नाम दिया है। तो बताओ बलराम और लक्ष्मण कौन पार्ट है, ये किसका पार्ट है बलराम और लक्ष्मण, और कृष्ण और राम ये किसका पार्ट है, अरे कृष्ण और सृष्टि का पहला पत्ता है, सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण, पहला पत्ता नहीं है, यहाँ जो बात पूछी जा रही वो बताओ, राम और कृष्ण कौन सी आत्मा का पार्ट है, राम तो भगवान दिखा दिया वो तो अलग हो गई, और महाभारत में भागवत में कृष्ण को भगवान दिखा दिया, लेकिन वो सच्ची बात है या झूठी बात है, वो झूठी बात है, वास्तव में भगवान कौन है, कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट नहीं है,
राम वाली आत्मा का पार्ट है। फिर राम वाली आत्मा का पार्ट जब कृष्ण है भगवान के रूप में, तो फिर बलराम किसका पार्ट है? अभी तो बोला भगवान तो वास्तव में राम है, जो रामायण में तो सच्चा सच्चा दिखाया गया राम भगवान है, लेकिन महाभारत में झूठा दिखा दिया, भागवत में भी, गीता में भी झूठा दिखा दिया कि भगवान कौन है? कृष्ण है। कृष्ण नहीं है भगवान, नाम रख लिया है कृष्ण, लेकिन है किसका पार्ट? राम वाली आत्मा का पार्ट है। तो राम वाली आत्मा जब महाभारत में भी भगवान के रूप में पार्ट बजा रही है और रामायण में भी भगवान के रूप में पार्ट बजा रही है, तो फिर वास्तव में बलराम और लक्ष्मण किसका पार्ट है? कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट है। जो लक्ष्मण है उनको शेषनाग का अवतार दिखाते हैं, दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं। वो जो सात खन हैं जो उनकी रक्षा करते हैं बलराम के रूप में, भगवान की रक्षा करते हैं ना। कृष्ण विष्णु के ऊपर भी कौन दिखाते हैं? वो ही सात सर्प शेषनाग के रूप में। तो वो सात शेषनाग वास्तव में किस आत्मा का पार्ट है? हैं? सात नारायण कम कला वाले। वो कम कला वाले नारायण किससे जन्म लेते हैं, किसकी पैदाइश है? कृष्ण वाली आत्मा की पैदाइश है, जो सत्युग में पहला प्रिंस बनता है। इसलिए जो कृष्ण का पार्ट दिखाया है वो बलराम का पार्ट है। वास्तव में बलराम को कौन सा शस्त्र दिखाते हैं? हैं? हल धर, जो जोता जाता है ना जमीन में, उसका शस्त्र दिखाया है हल। क्या हल भी कोई शस्त्र के रूप में यूज किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है नहीं, एक रूपक दिखाया है ताकि मनुष्यों की बुद्धि में जल्दी समझ में आ जाए कि धरणी को चीरने वाला ये शस्त्र है। कौन है धरणी? है ये कन्या माता है, धरणी है। और बलराम का शस्त्र जो है वो हल है, वो धरणी को चीरता है। तो धरणी को चीरना अच्छा काम है या बुरा काम है? प्राकृतिक काम है या अप्राकृतिक काम है? अप्राकृतिक काम है। सत्युग त्रेता में कोई हल नहीं चलाएगा। हल कहां चलाया जाता है? द्वापर कलयुग में। ये अप्राकृतिक काम, नेचर के विपरीत काम द्वापर कलयुग में किए जाते हैं। और मूल करने वाला कौन है? अरे शुरुआत करने वाला कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। वो ही कृष्ण वाली आत्मा राम वाली आत्मा की बुद्धि को घुमाने वाली है, उसके ऊपर सवार है। जब सवार होती है पूरी रीति तो धरणी को चीरती है। अब युद्ध चलता है दोनों में। युद्ध चलेगा तो कभी एक हार खाएगा, दूसरा जीत पहनेगा। दूसरा जीत पहनेगा तो एक हार खा जाएगा। ये युद्ध चालू है। एक ऐसी स्टेज भी आ जाएगी जहां ये स्पष्ट हो जाएगा सारी दुनिया को कि ये बैल ही वास्तव में नाली का जल पीने वाला है। राम वाली आत्मा तो उस जलाधारी के नाली की तरफ नहीं दिखाई जाती है। राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाते हैं, राम को तो विकारी नहीं दिखाया जाता।
राम वाली आत्मा भगवान के समकक्ष पहुंचती है पुरुषार्थ में, इसलिए अभोक्ता की स्टेज पर पहुंचती है। कष्ट वाली आत्मा को भोगी के रूप में दिखाया गया है। यही वेद का अर्थ है कि अभी अर्जुन की हार है और मोरध्वज की जीत हो रही है, लेकिन सदाकाल के लिए नहीं है। ये जीत अल्पकाल की है या सदाकाल की है? अल्पकाल की है। ये अल्पकाल की जीत देहधारी गुरुओं की जीत है या भगवान की जीत है? देहधारी गुरुओं में सबसे बड़े से बड़ा गुरु कौन है? कृष्ण वाली सोल। और बुद्धि को घुमा देती है, ये वेद का अर्थ है। यज्ञ में ये मन रूपी घोड़ा छोड़ा गया, संक्षेत्र से ही छोड़ा गया, संक्षेत्र से ही उस घोड़े को पकड़ लिया। किसने है? कृष्ण वाली आत्मा ने पकड़ा हुआ है। नाम दे दिया है मोरध्वज। ओम शांति।